से लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं अभ्यर्थी और ये बिहार पुलिस के तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बेरोजगारी का कितना मारा है और ये बिहार पुलिस। आज हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के और आए हुए हैं पटना के मोनिलकर स्टेडियम में। जैसा कि ये हुजूम आप देख रहे होंगे लड़के और लड़कियों का, ये पूरा जो जत्था है बिहार पुलिस की तैयारियों में लगा हुआ है। और आशीष गुप्ता जो कि डिजिटल ट्रेनर है और बिहार में बहुत सारे ऐसे मतलब कि दरोगा हो, SIO या सैन्य पुलिस बल के जितने भी और टुकड़ियाँ लगभग इंडिया में और बिहार में कई जगहों पे ऐसे अपने स्थान दिए हुए हैं अपने स्टूडेंट के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि कितनी वो अच्छे तरीके से वो वेल ट्रेन करते हैं। सरकार की इनमें नाकामियां हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की मदद ना मिलने से ये रोड के फुटपाथ जो एरिया होता है उस पर ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। दिक्कतें हो रही है अभ्यर्थियों को, बिहार पुलिस की डेट भी आ गया है तो हम आइए बात करते हैं कुछ छात्र हैं और जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए उनसे हम बात करते हैं कि कैसा उनको बाहर में ट्रेनिंग करके लग रहा है। ट्रेनिंग कैसे क्या लगेगा, इतना दिक्कत हो रहा है कि अगर स्प्रिंट मार देते कितने दिनों से बाहर बाहर का रिजल्ट आया है 8 तारीख से तो हम लोग बाहर निकल ही रहे और कोई ऑप्शन मांग तो पूरा है कि कम से कम या तो डेट आगे बढ़ा दें तो स्टेडियम खुलवा दें, फिजिकल का डेट आगे बढ़ा दें या तो फिर स्टेडियम खुलवा दें। लॉकडाउन में इससे कैसे आपके ट्रैफिक में कैसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है और इनमें से आप देख सकते हैं कि सरकार से मांग भी हो चुकी है स्टेडियम खोलने की और साथ ही साथ नहीं तो अगर फिजिकल का डेट है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये महिला भी छात्र हैं, यहाँ पे महिला छात्र से हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बाहर निकल कर ड्राइविंग करते हैं और हम लोग का ये पैर में भी चोट लग गया था और ये जंप करने का भी यहाँ पे सुविधा नहीं है, गाड़ी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, हम लोग बहुत डर लग रहा है। हम लोग पटना के रहने वाले हैं, बोली रुक जाए लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं अभ्यर्थी और ये बिहार पुलिस के तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बेरोजगारी का कितना मारा है और ये बिहार पुलिस साल भर में एक ही बार आता है, नहीं तो ना के बराबर भी आता है, ये 2 सालों से लगातार निकाल रहा है। और कितने भारी संख्या में यहाँ पे, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा पूरे क्राउड को दिखाए, पूरी भीड़ को यहाँ पे दिखाए, कितने अभ्यर्थी बिहार पुलिस की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हम उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, तो ये जो बच्चे बच्चों के जो प्रशिक्षण आप दे रहे हैं सरकार से, आपकी क्या मांग है ये जो खुले में आप दे रहे हैं? देखिए, मेरा नाम आशीष गुप्ता हुआ, फिजिकल ट्रेनर हूँ। हम सरकार जो है एडमिट कार्ड लोड कर दिया नेट पर, है ना? सरकार नेट पे लोड कर दिया है डेट का, फिजिकल का। तो हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि बच्चा कहाँ प्रैक्टिस करेगा। ये मोइनुलहक़ स्टेडियम बंद कर दिया गया है, सभी जगह ओपन है, डेट का भर्ती भी मिल गया है, बच्चा का सबका 15 तारीख से डेट मिल गया है दौड़ने का। अब ग्राउंड भी ओपन नहीं है, मजबूरन हम लोग को रोड पर प्रैक्टिस करवाना पड़ रहा है, चोट भी लगता है, एंकल भी टूट जाता है, दौड़ रहा है सबका एंकल फ्रैक्चर हो रहा है, दर्द हो रहा है, इंजुरी से पीड़ित है सब। तो कम से कम सरकार को ये सुझाव देना चाहिए, ग्राउंड खोलना चाहिए उनको, है ना? बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, फुलपारस, रोहतास, गया, मधुबनी, सारे जिला से आए हैं।
लॉकडाउन के बाद देखिए, अभी तो एक सप्ताह हुआ रिजल्ट आने के बाद, तो हम लोग स्टार्ट किए, एक सप्ताह हुआ है, स्टार्ट कैला हुआ। सरकार प्रशासन से यही मांग रहेगा कि मोइनू लगकर अगर स्टेडियम खोल देते हैं तो बच्चा जितना भविष्य इसका बनाना है, इतना पढ़ लिख के रहे, मेहनत किए हैं, माँ बाप का इनका सपना है, तो इनका सपना का पानी फेरे नहीं, और सरकार जो स्टेडियम खोले ताकि इनका सपना पूरा हो। लगभग अभी तक कितने राज्य में, कितने जिले में आपने स्टेडियम? बहुत सारे राजगीर में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे सी एसी बने, असिस्टेंट कमांडेंट भी बनाए, हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हो, सभी मतलब राज्य में मैं प्रशिक्षण मतलब बच्चों को देखे, वहाँ तैयारी करके वहाँ भेजे सब। अभी कितने दिनों से ये सारे लगातार 2014 से हम करवा रहे हैं, कंटिन्यू चलते आ रहा है और आज तक बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सरकार से देखिए यही मांग रहेगा, डेट दे दिया गया है एडमिट कार्ड पे, ग्राउंड नहीं खुला है, तो बच्चा सब रो रहा है किस तरह हाई जंप करेंगे, किस तरह दौड़ेंगे, तो सरकार से मेरा तो हाथ रिक्वेस्ट करके जोड़, ग्राउंड खोले, मोइनू लगकर स्टेडियम खोले, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इनका मार्गदर्शन पूरा हो सके। जी हाँ, तो ये थे हमारे मोइनू लगकर स्टेडियम के नितिन कुमार, जो कि आज फिजिकल ट्रेनर के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ मांगे हैं, आप देख सकते हैं सरकार से क्या डिमांड है, जो आप देख सकते हैं गद्दा लगाया गया है बाहर फुटपाथ एरिया पे, गद्दा लगाया गया है, बहुत सारे बच्चियाँ अभी हाई जंप करेंगी और साथ ही साथ कुछ जो बच्चे हैं वो लॉन्ग जंप के लिए गए हैं। तो मैं कैमरा पर्सन साहिल कुमार के साथ, डीटीपी न्यूज़।